हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवी क्लासेस। मैं रंजीत कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3, ठीक है, जो ये तीसरा अध्याय है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर? ये जो क्लास 10th के स्टूडेंट है उनके लिए ये रहेगा टॉपिक, और ये मेरा जो एक्सरसाइज 3.2 रहेगा। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का ही दो क्वेश्चन देखे थे, और यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और ये मेरा पार्ट 4 होगा एक्सरसाइज 3 का। क्लियर? और जो एनसीईआरटी के ही बुक से सारे ये क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि अनुपात हम लोग को दिया है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तीन दिया, इनको क्या करना है, तुलना करना है और ज्ञात करना है कि ये निम्न जो हम लोग को रैखिक समीकरण दिया गया है ये संगत है या असंगत। तो चलिए सबसे पहले संगत या असंगत बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि कब संगत होगा और कब असंगत होगा। इसके पहले मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस टाइम में संगत होगा और कब होगा असंगत। जैसे कि हम लोग एक इंट्रोडक्शन क्लासेस में कहते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो इस तरह का जब इस ये कंडीशन होगा तो ये जो समीकरण होगा ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये युग्म जो होगा ये संगत हो जाएगा। दूसरा हम बताए थे A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा क्या होगा, युग्म असंगत होगा। असंगत क्या हो क्यों होगा हम बता देते हैं, क्योंकि इसका रेखा जो होगा ये समांतर रेखा जाएंगे, ये कभी भी मिलेंगे नहीं, जो मिलेगा उसी को हम लोग संगत कहेंगे। तीसरा हम बताए थे कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 होगा, तो इस कंडीशन में आप इनको बताइएगा कि ये क्या है, संगत है, संगत। ठीक है, और यहाँ पे गौ छुट्टी संगत की लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ में आएगा, इसका रेखा एक क्रॉस में जाता है और ये जो आता है ये संपाती होता है। ये हम आपको पहले पिछले पार्ट से पढ़ा चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा है तो उनको जाके आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग को ये सारे चीज को क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है ऐसे निकाल के, और इसको दिखाना है अगर ये वाला टर्म आ गया तो ये संगत हो जाएगा, और ये टर्म आ गया तो असंगत होगा, और ये टर्म आ गया तो फिर संगत होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इनको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? पहला क्वेश्चन हम लोग को जो दिया गया है क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x+2y=5। क्लियर? तो हम लोग को ये क्वेश्चन क्या है ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं इसको अरेंज कर लेते हैं। 3x+2y प्लस में है तो इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -5=0, और इनको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली क्या करना है, अब जो हमारे पास ये दूसरा एक और इक्वेशन दिया है इसको करते हैं, जैसे 2x-3y=7 दिया है, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। 2x-3y-7=0, क्या कर रहे हैं, 0, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस में है। अगर ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इसका इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन से इसका जो कोफिशियंट है ये होगा A1, B1 और C1। तो A1 फिर हो गया मेरा B1 और फिर हो गया मेरा C1, और यहां से हम लोगों को निकाल लेना है A2, फिर यहां निकाल लेना है B2 और यहां निकाल लेना है C2। अब देखिए x है और x यहाँ पे कितना से मल्टीपल से है, 3 से मल्टीपल है, इसलिए ये मेरा 3 हो जाएगा A1। और देखिए y कितना से मल्टीपल है, 2 से, इसलिए मेरा B1 हो जाएगा 2। और यहाँ पे c देख सकते हैं -5 है, इसलिए यहाँ पे -5 लिख दीजिए C1। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखेंगे x जो है मेरा 2 से है, दूसरा इक्वेशन है, इसलिए हम लोग A2=2 मान लेंगे। और फिर यहाँ पे देखेंगे y मेरा -3 से मल्टीपल है, इसलिए -3 कर देंगे, और c भी मेरा यहाँ -7 से, तो यहाँ -7 कर लेंगे। क्लियर? अब देख सकते हैं यहाँ से हम लोग ये निकाल लें A1/A2 B1/B2 सब निकाल लें। अब क्या करना है, हम लोग को A1 B1 C1 निकल गया, A1/A2। अब नेक्स्ट जो क्रिया करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे A1/A2 B1/B2, पहले निकालेंगे A1/A2। क्लियर? अब यहाँ पे कर सकते हैं अब करके कि A1/A2, A1 मेरा कितना है, 3 है, 3 लिख दो, और A2 कितना है, 2 है, 2 लिख दो, पहला आ गया।
फिर हम लोग निकालेंगे बी वन बाय बी टू। बी वन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कितना है, टू है, टू लिख दीजिए। उसके बाद आप बी टू कितना है, माइनस थ्री है, तो यहाँ पे क्या कर लो, माइनस थ्री। फिर निकालना है सी वन बाय सी टू। तो सी वन आप क्या कर देख रहे हो, यहाँ पे माइनस फाइव है तो माइनस फाइव कर लो, और सी टू क्या, माइनस सेवन है। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखते हैं, चूंकि ए वन बाय ए टू और बी वन बाय बी टू, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस थ्री बाय टू है और यहाँ पे टू बाय माइनस थ्री है, तो दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू हो गया। जब ये नहीं होता था, हम आपको बताए थे कि ये क्या हो जाएगा, असंगत होगा, तो यहाँ पे लिख लेना। इसलिए इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत है, क्या है, सॉरी, संगत है। जब ये कंडीशन आता था हम आपको बताए थे कि संगत लिखना है। तो आप देख सकते हैं ये वाला इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था, इस तरह करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर ले। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें दूसरा क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन है दूसरा, क्या लिखा हुआ, 2x माइनस 3y और 18 दिया है, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग को लिख देते हैं, दिया है जो चीज सॉल्यूशन में, क्या दिया हुआ हम लोग को, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 दिया हुआ। इसको फिर से आप अरेंज कर लो, 2x माइनस 3y प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल टू क्या लिख दो, 0। तो ये मेरा इक्वेशन वन हो गया। अब इसी प्रकार से आप यहाँ से सेकेंड सेकेंड इक्वेशन जो दिया है उसको लेते हैं, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, यहाँ पे आप तथा कर सकते हो, और यहाँ पे आप इसको अरेंज कर लो, 4x माइनस 6y ये इधर चला आएगा तो माइनस हो जाएगा 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इनको हम लोग दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से आप क्या करो, a1 का वैल्यू निकाल लो, फिर यहां से निकाल लो b1 का वैल्यू, फिर निकालो c1 का वैल्यू। अगर आप a1 देखो, यहाँ पे x जो है 2 से मल्टीपल है तो यहाँ पे 2 लिख दो, b है माइनस 3 से मल्टीपल तो यहाँ पे माइनस 3 लिख दो, और c यहाँ पे क्या है, माइनस 8 है तो यहाँ पे माइनस 8 लिख दो। तो इससे हम लोग देख सकते हैं a1 a2 a1 b1 c1 निकालने, उसी इसी प्रकार से यहां से निकाल लो b1 a2 निकाल लो, फिर b2 निकाल लो और फिर c2 निकाल लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें a2, तो यहाँ पे x से मल्टीपल क्या है, 4 है, 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे 6 जो है, यहाँ पे y जो है माइनस 6 से मल्टीपल है तो माइनस 6 लिख देते हैं, और यहाँ पे ये जो है 9 से, माइनस 9 से मल्टीपल है c, तो यहाँ पे माइनस 9 है तो माइनस 9 लिखते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि a1 बाय a2 आगे हम लोग को निकालना है नेक्स्ट। अब जो करना है हम लोग यहाँ पे निकालेंगे a1 बाय a2। a1 कितना हो गया, 2, 2 लिख देना है, और a2 कितना हो गया, 4। अगर इसको कट करे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो a1 बाय a2 कितना हो गया, 1/2। सेम प्रक्रिया फिर करना है b1 बाय b2 के साथ। b1 कितना है मेरा, -3, तो -3 पुट कर दीजिए, और b2 कितना है, -6, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, -6। अब इसको कटाएंगे तो ये 3 1 3, 3 2 6, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसका भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। फिर क्या करना है, c1 बाय c2 करना है। c1 कितना है मेरा, -8, तो यहाँ पे -8 कर दीजिए, और c2 कितना है मेरा, -9, तो यहाँ -9 कर दीजिए, और ये कट जाएगा माइनस माइनस और आ जाएगा 8/9। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो a1 बाय a2 और b1 बाय b2 और c1 बाय c2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे a1 बाय a2 अगर देखेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/2, 1/2। सिमिलरली b1 बाय b2 देखिएगा तो कितना आया, 1/2, 1/2 लिख दें, और c1 बाय c2 कितना है, 8/9, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8/9। अब क्या देख रहे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल आ रहा है, क्या मतलब 1/2 और 1/2 इक्वल है,
लेकिन नॉट इक्वल टू 8/9 है। तो आपको पता है ये किस टर्म में आ गया, तो आप देख सकते हैं चूंकि a1 by a2 b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। जब आपका दो इक्वल होगा तीसरा इक्वल नहीं होगा, तो हम आपको बताए थे ये भी युग्म में क्या होगा, असंगत, ये युग्म में क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, असंगत लिखना है, ठीक है, ये असंगत है। तो ये आंसर हो गया, बस यही चीज हम लोग को बोला था संगत है या असंगत, इसको नोट करना है। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर वही उसी टाइप का इक्वेशन दिया गया है, 3/2x 5/3y = 7 दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, दिया है, फिर हम लोग को जो क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है उसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 3/2x + 5/3y = कितना दिया है, 7। इसको अरेंज कर लेते हैं, 3/2x + 5/3y - 7 = 0, ठीक है, इनको इक्वेशन वन मान लेते हैं। फिर सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको देख के लिखेंगे 9x - 10y = 4। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, 9x - 10y ये प्लस में तो इधर आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 4 = 0, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से a1 को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3/2, b1 को फाइंड करेंगे 5/, ये बात देख सकते हैं 5/3 लिख दीजिए, और c1 को फाइंड करेंगे तो क्या है, -7/0, तो -7 लिख दीजिए। सिमिलरली इधर करेंगे, a1 अगर आप देखोगे तो कितना है, 9 है, और सॉरी a2, और यहाँ b2 आप देखिएगा तो -10 से मल्टीपल है इसलिए -10 हो जाएगा, और c1 कितना है मेरा, -4 है, तो c2 कितना है, -4 है, -4 लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से निकालना है a1 by a2, तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसको हम लाइन खींच देते हैं ताकि साफ 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 सब चीज दिखे आपको। अब देखिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ लिखना, अब करके निकालना है a1 by a2, ठीक है। अगर यहाँ पे a1 देखा जाए तो आप देखिएगा यहाँ पे a1 कितना दिया हुआ, 3/2, कितना दिया है, 3/2, 3/2 करना है। और आपको पता है यहाँ पे डिवाइड, पाई मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड कर देना है, और 9 है क्योंकि ये फ्रैक्शन में था इसलिए हम लोग ऐसे किए, 9 कर दिए। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 3/2 और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर चेंज हो जाएगा, 9 है तो नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 9 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, 3 1 जाए 3, 3 3 जाए 9, तो कितना हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, और 3 2 जाए कितना हो गया, 6। तो a1 by a2 कितना हो गया, 1/6। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे b1 by b2। अब देखिए b1 कितना, 5/3, यहाँ पे देख सकते हैं 5/3 है, तो आप यहाँ पे क्या करो, 5/3 कर दो, और डिवाइड, और यहाँ पे b2 कितना है, -10, तो यहाँ पे -10 कर दो, ठीक है। अब जैसे 5/3 हो गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, नंबर चेंज हो जाता है, इधर वाला ये नीचे 1 है ना, ऊपर चल जाएगा, और ये -10 नीचे आ जाएगा। अगर इसको कटाएंगे तो 5 1 जे 5 5 2 जे 10, -2 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1 हो जाएगा, नीचे करेंगे 3 2 जे 6, माइनस क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, क्लियर। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे c1 by c2, c1 कितना है, -7, तो यहाँ पे -7 लिख दीजिए, और c2 कितना है, -4, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, -4, ये सिर्फ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7/4 आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों का हम लोग इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो तीनों का इस पे इक्वेशन निकालेंगे तो अब यहाँ पे चूंकि आप देख सकते हैं कि a1 by a2 और b1 by b2
नहीं इक्वल है, क्योंकि देखिए ए वन मेरा 1/6 है और ए टू बी वन और बी टू मेरा क्या है माइनस 1/-6 है, -6 आ गया ना, ये दोनों आपस में क्या होगा, नहीं आएगा इक्वल, तो क्योंकि यहाँ पे प्लस है, नंबर तो सेम है लेकिन यहाँ पे प्लस में है, ये वाला क्या है माइनस में, इसलिए दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। जब आपस में इक्वल नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, संगत होगा, क्योंकि इस टर्म के लिए हम आपको बताए थे क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन जो फोर्थ नंबर में उसको करते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। अगर यहाँ फोर नंबर क्वेश्चन देखें, सिमिलरली उसी तरह हम लोग को सॉल्व करना है, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे फोर नंबर क्वेश्चन में दिया है लिखना है, क्या दिया हुआ है, 5x-3y इक्वल टू 11। आप इसको अरेंज कर लीजिए, 5x-3y प्लस में, तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 11 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब क्या करना है, इक्वेशन टू को लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं तथा करके इक्वेशन टू को लिखते हैं, -10x+6y इक्वल टू -22। तो यहाँ पे -10x+6y माइनस में इधर आ जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं ये माइनस में, तो इधर आ जाएगा प्लस में होगा 22 इक्वल टू 0। अब इनको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए वन, फिर बी वन और ये सी वन को फाइंड करना है। ए वन यहाँ पे कितना होगा 5, बी वन कितना होगा -3 और सी वन कितना होगा -11। उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, ए टू बी टू और सी टू निकालना है। ए टू अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या होगा, ए टू मेरा कितना -10, -10 फिर यहाँ पे 6, बी टू 6 और सी मेरा कितना 22। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये सब सारी चीज निकाल लें। अभी क्या करना है, हम लोग को ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू फाइंड करना है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या ए वन बाय ए टू, अब यहाँ पे लिख देना, अब ए वन बाय ए टू, ए वन कितना है मेरा 5 लिख दो और ए टू कितना है -10, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं -10 और 5 1 5, 5 2 10 आ जाएगा 1/-2। फिर हम लोग दूसरा निकालेंगे बी वन बाय बी टू, बी वन कितना है मेरा -3, तो यहाँ पे लिखो -3 और बी टू कितना है 6 लिखो, तो 3 2 6, 3 1 3, तो -1/2। फिर क्या करना है, अब यहाँ पे था सी वन बाय सी टू, था सी वन बाय सी टू को निकालते हैं, सी वन कितना है -11 और सी टू कितना है 22, 11 1 11, 11 2 22, इसका भी आ गया 1/-2 लिख सकते हैं, या तो -1 1/-2, बात एक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, चूंकि यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू और सी वन बाय सी टू तीनों आपस में क्या देख रहे हैं, इक्वल है, क्योंकि इसका भी -1/2 आया, इसका भी -1/2 आया, इसका भी -1/2 आया। जब तीनों आपस में आ जाता है तो हम आपको बताए थे ये युग्म में जो होता है ये क्या होता है, संगत होता है। तो यहाँ पे क्या करना, इसको लिख देना संगत। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग फोर्थ नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए, ये 3 का है, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 4/3x+2y=8, 2x+3y=12। फिर हम लोग को वही सिमिलरली जो अभी कर रहे थे वही करना है, दिया है क्या दिया वो हम लोग को 4/3x+2y=8। क्लियर, अब इसको थोड़ा से अरेंज कर लेते हैं, हमेशा अरेंज कर ही लीजिएगा। ठीक है, 3x 4/3x+2y, ये प्लस में 8 है तो इधर आ जाएगा, तो -8=0, इनको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तथा
फिर हम लोग दूसरा इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया है, 2x + 3y = 12 = कितना, 12 दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 2x + 3y प्लस में 12 है इधर आ जाएगा, तो क्या -12 = क्या हो जाएगा, 0। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 से क्या करना है, यहाँ से a1 निकालना है। यहाँ जो a1 दिया गया है क्या दिया हुआ है, 4/3। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे a2 सॉरी b1 b1 हम लोग को ये दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, और c1 अगर आप देखें तो -8 दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से निकाल इस इक्वेशन निकालते हैं a2। a2 अगर आप यहाँ पे देखें तो कितना है, 2 दिया है। फिर आप यहाँ से b2 निकाल लो, b2 अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या, 3 है, क्योंकि y से 3 मल्टीपल, 3 से मल्टीपल है y। फिर अगर आप c2 देखें तो यहाँ पे -12 है, तो यहाँ क्या कर लो, -12, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना, ये आपको जैसे x यहाँ पे अब आप करके लिखना है, a1/a2 निकालना है, a1/a2। a1 मेरा कितना है, 4/3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4/3, और डिवाइड कर दीजिएगा, जब फ्रैक्शन में आएगा तो डिवाइड करके कीजिएगा तो इजी लगेगा। और a2 मेरा 2 है, 2 कर दिया यहाँ पे, और नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो अब वो है 4/3, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो नंबर इधर से चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो इसको कटाएंगे, 2 1 जै 2, 2 2 जै 4, तो कितना आ जाएगा, 2/3। पहला आ गया हमारा 2/3। अब नेक्स्ट करना है b1/b2। b1 कितना है मेरा, 2 है, 2 लिख दीजिए, और b2 मेरा कितना है, 3 है, ये भी आ गया। फिर तथा c1/c2 निकालना है, c1/c2। c1 मेरा कितना है, -8, -8 लिख दीजिए, और c2 कितना है, -12, -12 कर दीजिए। अब ये माइनस माइनस तो पहले कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जे 8 हो जाएगा, 4 3 जे 12 हो जाएगा, 2 बाई यहाँ पे क्या हो गया, 3 आ गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 बाई जब 3 आ गया, तो अब इनको क्या करना है, अब यहाँ पे देख सकते हैं सब में क्या आ रहा है, 2/3, 2/3, 2/3 इक्वल आ रहा है सब में। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। हम आपको बताए थे अगर तीनों आपस में इक्वल आ जाता है तो वे युग्म जो होता है क्या होता है, संगत होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, संगत लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, संगत है, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या बोल सकते हैं, ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन थे जितने, उनको हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए आगे देखते हैं आप, ठीक है। अगर आगे हम लोग देखें तो ये यहाँ पे हम लोग इतना ही क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो यहाँ तक जिसने आप लोग ने देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें क्या करें, कमेंट करें नीचे में, और इससे रिलेटेड जो भी अगर और डाउट आपके पास है तो आप हमें शेयर भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें जो भी आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल तो लगेगा नहीं, सिर्फ आप इन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको, ठीक है। तो आप इनको व्हाट्सएप कीजिए जो भी क्वेश्चन है, उनको हम अगले जो नेक्स्ट टॉपिक होगा लास्ट में वो वाला क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों तक भी शेयर भी कर दीजिए। आगे जो हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज जो है इन्हीं का लेंगे, 3.2 का ही, और ये मेरा जो रहेगा 4th नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी हमारे पास कुछ ग्राफ से क्वेश्चन है, 1 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है, इनको हम लोग देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।